हाय। हाय, पोको F6 5G, ये फ़ोन लिए हुए और इस्तेमाल करते हुए हमें 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज हम इसका डिटेल रिव्यू देंगे और इसमें वो सारी बारीकियाँ आपको बताएंगे जो कोई और भी रिव्यूअर से आपको नहीं पता चलेगा। तो अब मैं सबसे पहले जो है प्राइस बता देता हूँ, 28,000 के करीब पड़ा था। फर्दर क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट भी था तो करीब 25 के आसपास हमें पड़ गया था। ये पोको F6 जो है 512 GB का वेरिएंट है, जिसमें रैम आपको मिलता है 12 GB का। इसकी स्क्रीन क्वालिटी जो है अराउंड 2K रेजोल्यूशन वाली है। साउंड जो है वो इसका काफ़ी दमदार, मैं आपको साउंड की एक क्विक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। वो है, देखिए काफ़ी लाउड है और बेस काफ़ी इसमें आपको इसी डायरेक्ट स्पीकर में आपको मिल जाएगा। 5G है, इसके साथ वाईफाई सबसे लेटेस्ट वाला है, वाईफाई 6। ब्लूटूथ 5.4 है और इसमें बाकी सारे एकदम अपडेटेड फीचर हैं। इसमें आपका प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर। स्क्रीन की क्वालिटी, कलर रिप्रोडक्शन, ये सब काफ़ी अच्छे हैं। फीचर्स वगैरह जो हैं वो एकदम ऑप्टिमम है, एकदम फ्लैगशिप वाला ये प्रोसेसर है। साथ में ये कवर आ जाता है, ये 90 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका चार्जर जो है 120 वाट का चार्जर इसके साथ आता है, लेकिन ये 90 वाट सपोर्ट करता है। काफ़ी फास्ट चार्जर है। अगर मैं बताऊं कि 0 to 100% होने में अराउंड 40 मिनट्स के करीब लगते हैं इसको, तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि 25,000 28,000 में बहुत अच्छी डील आपको मार्केट में इसके कंपेरिजन में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें जो इशूज़ थे, जो मुझे इशूज़ लगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इशूज़ मुझे सबसे पहले लगे। तो इनिशियल में जब आपको ये फ़ोन आएगा तो कुछ कुछ इसमें ब्लोटवेयर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्लोटवेयर्स में कुछ कुछ ऐप्स थे जो कि गेम्स भी थे और कुछ ऐप्स थे नेटफ्लिक्स वगैरह इंस्टॉल थे, वो सब लेकिन सारे ही अनइंस्टॉल हो जाते हैं। अब एक बार जब अनइंस्टॉल आपने कर दिया तो फिर क्या है कि उसके बाद ये एकदम क्लीन है। इनका जो एंड्रॉयड में इनका हाइपर ओएस है, शाओमी का अपना खुद का हाइपर ओएस है, वो ओएस जो है ना काफ़ी स्मूथ है और उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसमें मैं आपको अगर दिखाऊं अबाउट फ़ोन में कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, तो एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वाला। 14। हाँ, इसमें आपको 14 मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसमें आपका इसमें जो स्किन है शाओमी की, वो सबसे लेटेस्ट उनकी हाइपर ओएस वाली स्किन है, जो कि हमने आपको टैबलेट के वीडियोस में काफ़ी बार रिव्यू भी दिखाया जिसका। अब जो है स्क्रीन की क्वालिटी मैं बताऊँ, स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे आपको पढ़ना हो या वीडियो देखना हो। HDR+ सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन प्लस, ये सब सारी चीज़ें जो भी लेटेस्ट विजुअल स्पेक्स है सारी सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स में भी, यूट्यूब पे, सब पे सपोर्ट करता है। मैं एक सैम्पल आपको थोड़ा सा यूट्यूब चला के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी इस तरह से एक वीडियो, Eisenhower is basically this sort of brief moment. तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ऐसे वीडियो में जाएंगे, आप फुल HD के सपोर्ट को देखेंगे जहाँ भी, तो क्वालिटी आपको एकदम परफेक्ट, इसमें कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। फर्दर हीटिंग इशू, काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि इसमें क्या हीटिंग इशू आता है। जैसा कि आप अगर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहाँ कमेंट में भी मिलेगा कि हीटिंग इशू आता है कि नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूँ, हीटिंग इशू जो है उसको इस तरीके से देखिए, जब फ़ोन आपके पास नया आता है तो वो इनिशियल में अपडेट कर रहा होता है, और चाहे वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर का अपडेट हो, ऐप्स का अपडेट हो, डेटा का बैकअप हो, उस समय जो है ना बैकग्राउंड में काफ़ी वर्क कर रहा होता है फोन, उस समय हीट रहता है। विद इन 1 वीक कोई हीटिंग इशू नहीं था, यानी शुरुआत के 1 वीक हल्का हीट आपको फील करेगा, लेकिन उसके बाद जब सारा बैकअप वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये हीट नहीं करेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि परफॉर्मेंस लैग तो मुझे कभी नहीं देखने को मिला, इवन हीटिंग के दौरान भी, जबकि हम जानते हैं कि Snapdragon 8 Gen 3 जो है वो हीट के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये फ़ोन उसका एक्सेप्शन नहीं। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर है एकदम वो वाला फंक्शन आपको मिलेगा, काफ़ी हाई स्पीड मिलेगी, गेमिंग काफ़ी स्मूथ है। मैं गेमिंग करके आज आपको नहीं दिखाऊंगा, वो किसी और वीडियो के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। इसके पहले भी मैंने सारे जो भी फ़ोन यूज किए हैं सारे फ्लैगशिप ग्रेड के ही थे, लेकिन अभी तक में सबसे मैंने 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर जो है ना वो सबसे पहले इस्तेमाल किया है। तो ये मैं कहूँगा कि प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट इफिशियंट है और फ्रेम रेट काफ़ी स्टेबल दे पाता है लॉन्ग रन में। और साथ ही साथ जो है अगर बैकग्राउंड में भी टास्क हो रहा है ना तो भी हल्का हीट हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस कभी भी उसकी ड्रॉप नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं कहूँगा हीटिंग इशू शुरुआत के 1 वीक में था, वो अब चला गया, कोई इशू नहीं है। बाकी आप, मैं करीब
3 हफ्ते से ज़्यादा फ़ोन एकदम से कूल है, बहुत स्मूथ रन करता है, कोई लैग नहीं है इसमें। और इस प्राइस रेंज में अच्छा और हाँ, फास्ट है। और अब इसमें देखिए कैमरा कैसा है। कैमरा जो है ना, मैं आपको बताऊं कि कैमरे का रिव्यू मैं देखूंगा कि फ्लिपकार्ट पे लोगों ने कहा है कि कैमरा जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं तो कैमरा सच में इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है और शार्पनेस, विजुअल एक्यूरेसी सब काफ़ी अच्छी है इसमें। मेरा और कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा जो उसके स्क्रीन पे है। तो अब जैसे मैं आपको अगर हाथ का ही एक फ़ोटो खींच के दिखाऊं और मैं ब्यूटी मोड को ऑफ कर दूं, हाँ वैसे इसमें ब्यूटी मोड भी है और कई लेवल ऑफ ब्यूटी मोड है। जैसे ये अगर हमने मैंने फ़ोटो खींच लिया और इसमें मैं शार्पनेस आपको दिखाऊं, वो देखिए काफ़ी अच्छे से शार्प, काफ़ी क्रिस्प शार्प आ जाता है। और इसमें फ्लैश जो है वो डुअल फ्लैश यहाँ पर है, डबल दो फ्लैश एक साथ लगे हैं, येलो इस कलर के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। भले इसमें टेलीफोटो लेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका मेन कैमरा है ना, वो मेन कैमरा इसमें काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है। वीडियो में भी आप देखें तो वीडियो में आपको क्वालिटी मिलेगी, कौन कौन सी देखिए 1080 60 30 अभी था मैंने आपको दिखाया, 60 आपको अब दिख रहा है। उसके अलावा आप जाएंगे 4K में, फोर के आपको भी हो हाँ 4K जाएगा। है और 4K 60 FPS भी है। अच्छा, तो ये है आपको क्वालिटी इसमें जो इस टाइप से है। आप वीडियो बना सकते हाँ, हैं। और ये मैं कहूँगा इवन कि इस प्राइस में इस क्वालिटी का कैमरा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा। मैं तुरंत एक साइड में इसको ले लूँगा, एक बार एक कोई फ़ोटो अच्छा खींचा हूँ, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो जो है, ये वाला फ़ोटो, ये फ़ोटो आप देखिए, जैसे आज हम लोग पार्क में थे तो ये फ़ोटो मैंने ऐसे एक नील गाय थी, इवन मोशन में थी इनमें, लेकिन तुरंत इसका शटर स्पीड इतनी अच्छी है कि उसने इसको कैप्चर कर लिया, तो क्वालिटी अच्छी है। मैं एक और ऐसे फ़ोटो दिखाना चाहूँगा आपको। और ये मैं गूगल पिक्सल 7a यूज करती हूँ। मेरे कैमरा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये पोको F6 का कैमरा रहा है। अब जैसे ये वाला फोटो देखिए, इसमें लाइट और ब्लैक सब्जेक्ट है और लाइट भी ऊपर काफ़ी अच्छी है। अब डायनेमिक रेंज की परफॉर्मेंस देखें तो ब्राइटनेस लाइट की काफ़ी अच्छी आ रही है, भले आपको स्क्रीन पे हो सकता है उतनी ब्राइटनेस दिख रही हो, लेकिन ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ब्लैक जो है ना, वो ट्रू ब्लैक्स आ रहे हैं फोटो में, तो इसकी डायनेमिक रेंज सच में कैमरे की मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। इस प्राइस में डायनेमिक रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है, और ह्यूमन सब्जेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि मेरे पास प्राइवेसी की वजह से मैं ह्यूमन सब्जेक्ट को डायरेक्ट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे बढ़िया ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये इस कॉन्फ्रेंस रूम में आप जैसे डार्क सब्जेक्ट्स को देखिए पीछे या आगे से, और साथ में जो स्काई जो है इसकी लिट है वो आप देखिए फुल यहाँ पर किस तरीके से स्काई जो है बढ़िया से लाइट है, अच्छे से आ रही है, और डार्क सब्जेक्ट जो है ह्यूमंस के हेड वगैरह वो काफ़ी डार्क है। तो ये डायनेमिक रेंज जो है ना, इस प्राइस में आपको मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। और मैं अगर ह्यूमन ब्यूटी मोड या कम बिना ब्यूटी मोड के भी ह्यूमन फिगर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, स्किन टोन काफ़ी नेचुरल लगती है, ये बहुत ही रेड या ब्लू नहीं कर देता है, और इस तरीके से जो है कहेंगे एक तरीके से कि ये मल्टीपल सिनेरियोज में आपको चाहे वीडियो बनाना हो या चाहे ह्यूमन का आपने ऐसे फ़ोटो खींच के आपको प्रोफाइल पिक्चर या इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना हो, उन सबके लिए ओवरऑल जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है। मुझे कैमरा बहुत ज़्यादा इसका इम्प्रेसिव लगा इस प्राइस रेंज में। हाँ, तो ओवरऑल कितना स्टार देना चाहोगे ओवरऑल आप? मैं इस प्राइस में इस फ़ोन को मैं इवन 10 से ज़्यादा स्टार देना चाहूँगा। अगर अच्छा। मैं पिछले जो मैंने फ़ोन यूज़ किया इवन आईफोन को मैं अगर 9 out of 10 दूंगा, तो मैं इसको 10 से ज़्यादा देना चाहूँगा। एक तो क्योंकि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा पैसा गया नहीं, जब मेरा फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया था तो उस समय सेल चली थी, बाई चांस मुझे मिल गया था, और प्राइस वसूल है इसका एकदम से, मैं कहूँगा कि एकदम प्राइस वसूल है। काफ़ी लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी फिर भी स्ट्रांग है, साथ में कवर देते हैं, चार्जर इनका बहुत फास्ट है, चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी है, कैमरा अच्छा है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी, स्क्रीन क्वालिटी हमेशा की तरह साउंड की बहुत अच्छी रहती है इसकी भी है, एकदम फ्लैगशिप ग्रेड है। और जो गलत रिव्यूज होते हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो यूट्यूबर जो रिव्यू दे रहे होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म बिना इस्तेमाल किए बोल देंगे कि हाँ हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो जो कोई भी आप जब फ्लिपकार्ट पे देखने जाएंगे रिव्यू, तो
तो वो रिव्यू जो इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन वाले ही ज़्यादा रिव्यू दिए होते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बाद आपको यही कह सकता हूँ ना, ये फ़ोन पैसा वसूल है, कोई हीटिंग इशू नहीं है। इवन हमने जब पिक्सल लिया था, हमने जब आईफोन लिया था, शुरुआत के 1 वीक में सारा बैकग्राउंड बैकअप कर रहे थे, वो डेटा अपडेट कर रहे थे, ऐप्स अपडेट कर रहे थे, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, सारे गर्म रहते थे। फ़ोन उसका एक्सेप्शन नहीं, ये फ़ोन भी सेम वही चीज़ करता है, 1 वीक के बाद कोई भी इशू नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं तो कहूँगा कि ये मतलब 12 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। और ये गूगल पिक्सल 7a जो है ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, इसका कैमरा बहुत ख़राब है, इससे फ़ोटो पता नहीं कैसे लोग बहुत सारे वीडियो बना के, मैंने देखा कि वीडियो में दिखाते थे कि बहुत अच्छा कैमरा है, तो मैंने ले लिया और जब मैं खुद यूज की तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। कहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना चीप फोन या चाइनीज फोन को गरीबों का फोन बोल के लोग उसको ना डिमीन हाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर एक्चुअल आप इस में ऐसा रेंज नहीं में है। एक अच्छा फ़ोन पा रहे हाँ, हैं और तो मेरे मेरे ख्याल ख्याल से, से आप हाँ मेरे लेके ख्याल से ट्राई कर करोड़ों सकते इंडियन हैं। जो हैं वो, और बहुत से इंडियन यूट्यूबर जो इनिशियल में उन्होंने रेडमी के फ़ोन से अपने चैनल चलाए यस हैं, बहुत यस ने मी के फ़ोन से अपने चैनल चलाए हैं, सस्ते वाले फ़ोन से चैनल चलाए, तो लोगों की रोजगार चल रही, बच्चे इन्हीं सारे सस्ते फ़ोनों से पढ़ रहे हैं। तो हम जो ज़्यादा पैसे में फ़ोन आएगा जरूरी नहीं है वो अच्छा है। इवन मैंने देखा सैमसंग आईफोन के भी इवन कैमरे इस वाले को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तारीफ करनी चाहिए, अगर भले कंपनी चाइनीज हो जो भी हो, लेकिन तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है आपका ब्लोटवेयर वगैरह की, तो ब्लोटवेयर वगैरह सैमसंग के साथ भी आते हैं, तो और इसमें तो ब्लोटवेयर जो भी है अनइंस्टॉल भी हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप प्राइस पे कर रहे हैं। प्राइस जो है हार्डवेयर के लिए एकदम राइट है, इससे ज़्यादा प्राइस मैं नहीं कहूँगा, किसी को रिकमेंड करूँगा कि इसको पे करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, फर्दर अगर हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिला तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।